बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी से। आज बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली करेंगे बड़ा निवेदन और बीएसपी अध्यक्ष मायावती से कहेंगे बड़ी बात। गुड्डू जमाली ने अभी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जो कि आप बी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से सुनिए। एक न्यूज चैनल को उन्होंने ये बयान दिया है। बोएगा वही काटेगा इंसान, जिसकी जो करनी है वो भुगतेगा। इन्होंने जो किया है उसको बहुत सूद समेत इनको अदा करना पड़ेगा। पार्टी कई कद्दावर नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या उनकी वापसी होगी 2024 के पहले? देखिए, हम तो ऐसे आदमी हैं कि हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग तो मान्य बहन जी से जी जान से ये बात को कहेंगे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी हो वो कदम उठाया जाए। हम बार बार कहते हैं हम चुनाव किसी को हारने जिताने के लिए नहीं लड़ते, हमें सरकार बनानी है, हमें सरकार में हिस्सा लेना है। और अगर हिस्सा लेना है तो एक जमाली अकेले नहीं कुछ कर सकता, हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं मान्या बहन जी से हाथ जोड़ करके इस बात को कहूंगा, जहां भी जरूरत वो समझे। देखिए, नेता वही है, निर्णय उनका है। बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक नेता है, उनका नाम है मान्या बहन कुमारी मायावती जी। हम लोग वर्कर हैं, लेकिन हाँ, डिवोटेड हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं अपने दल के लिए। हम ये जरूर कहेंगे मान्या बहन जी से कि मान्या बहन जी, दल को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो आप उठाएं। अति पिछड़ों में जरूरत है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में हमारे दल को जरूरत है। मैं ये बात मान्या बहन जी तक पहुँचाऊंगा। इस बात को आपसे भी बेबाकी से कह रहा हूँ, उसमें कोई चोरी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दल के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, जब सारा समाज खड़ा होगा ये हम देखेंगे कैसे रोकते हैं ये लोग। अरे, बहुजन समाज पार्टी के सामने ये लोग टिक नहीं सकते, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर लड़ने की जरूरत है, अपने को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।